हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए। आज के अपन टॉपिक में पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग में बार बार लॉस क्यों होता है, किस लिए होता है और किस कारण से लॉस होता है, तो अपन इसको कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, सारा गेम जो है आपके माइंड का है, तो अपन उन्हीं चीज़ों को लेके इसमें से डिस्कशन करेंगे वीडियो में कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे है, आपके माइंड में है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में है, मार्केट में प्रॉब्लम है, या फिर आप मार्केट को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सभी चीजों को वन बाय वन करके अपन जानने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक मार्केट का सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ जो मार्केट आपके साथ करता है। ठीक है, मार्केट एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। सपोज करिए मार्केट बाई डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है, मार्केट यहाँ तक जाता है। अब मार्केट यहाँ तक जाएगा तो दो चीज करेगा। सबसे पहली चीज क्या, सपोज करिए आप किसी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, आप जिस मार्केट में ट्रेड करें आप कर सकते हैं, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पर एक सपोर्ट का एरिया बन गया, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ये सपोर्ट का एरिया है जहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट को यहाँ पे मार्केट ने टच किया एंड टच करते ही मार्केट यहाँ से डाउन आ गया। ठीक है, अब आपको इस पॉइंट पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों पे कहीं जाएगा तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा। ठीक है, कहीं लोग इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, कहीं किसको सपोर्ट बोलेंगे। अब मैंने यहाँ पे सपोर्ट क्यों लिखा मैं बता देता हूँ, इसके दो कारण है। सबसे पहली चीज, लास्ट टाइम जो मार्केट आया था वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट किया था यहाँ पे। ये लास्ट टाइम वाले मार्केट का सिनेरियो है। ठीक है, अब देखिए मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले मार्केट अप गया, अप जाने के बाद डाउन आया। ठीक है, डाउन आने के बाद यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया बना, मार्केट अगेन अप गया एंड डाउन आया। अब ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला एरिया बन गया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है, तो इस लेवल पे चार से पांच अलग अलग तरीके की चीजें होती है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, सपोज करिए ये आपका लाइन है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला। यहाँ पे मैं सीधा शॉर्ट में SNR लेवल लिख देता हूँ। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। अब समझिए मार्केट करेगा क्या। ठीक है, मैं दोनों तरह के केस बताऊंगा। अगर मार्केट ऊपर से आता है यानी कि सेल साइड से मार्केट आता है, या बाई साइड की तरफ मार्केट जाता है, कैसे भी मार्केट रिएक्ट करे, आपको किन दो चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा गेम SNR लेवल का होता है इन चीजों के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप जो SMC वगैरह पढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट पे बात कर लेंगे। SMC में ये कैसे ट्रैप करता है, SMC में ट्रैप करने का थोड़ा डिफरेंट पैटर्न होता है। ठीक है, तो मार्केट क्या हुआ, सबसे पहले कुछ इस तरह आना स्टार्ट। ठीक है, अब मार्केट का ये जो टॉप एरिया है, ठीक है, ये था बाइंग एरिया। बाइंग से मार्केट कहाँ है, सेल एरिया की तरफ। ठीक है, मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे गिर गया। अब गिरने के बाद मार्केट क्या करेगा, जो SNR लेवल है हमेशा ध्यान रखने की, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला जो एरिया है, इसी एरिया के नियर बाय आके मार्केट क्या करेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा, ज्यादा नहीं, हल्का सा ऊपर। अब ये ऊपर क्यों जाता है, जाने के क्या रीजन है और किस लिए जाता है, ये चीज समझते हैं। तो यहाँ पे जो चीज होती है वो होती है सबसे बड़ी माइंड का गेम इस एरिया के अंदर, जहां पे SNR लेवल होता है, और SNR लेवल को टच करके या हल्का सा इंटरनल में आके मार्केट वापस अप जाता है। और अप जाने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है सबसे बड़ा एक गेम। अब गेम क्या होता है और किस तरीके से जो बड़े प्लेयर है वो खेलते हैं आपके साथ, कैसे, सपोज करिए आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट अप जाएगा, तो आपने एंट्री कुछ इस तरीके से बनाई, यहाँ पे आपका ये स्टॉप लॉस हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस कुछ इस तरीके से होगा, मार्केट आपके एरिया में भी गया यहाँ तक और जल्दी जल्दी गया, तो अब आपको लगता है कि मार्केट का आपका तो टीपी ही था। ठीक है,
आप ऐसा तो यानी 5, 7, 10 पीप या 15 पीप लेके मार्केट से बाहर निकल जाएं, नहीं पॉसिबल ही नहीं। तो आप इस एरिया तक वेट करते रहे, ठीक है। वेट करने के बाद क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने अपना रिकरेक्शन लिया, यानी कि यहां तक जाने के बाद हल्का सा मार्केट क्या था, डाउन आता है, हल्का सा अप दिखाता है और ये डाउन आ जाता है। अब आप क्या करते हैं कि आप ना तो ब्रेक इवन यूज करते हैं, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि आप छोटा प्रॉफिट कभी बुक नहीं करते हैं। तीसरी चीज आप ये नहीं समझते कि जिस एरिया पे मैंने एंट्री ली है वो परफेक्ट एंट्री है या नहीं, ये भी चीज आप चेक नहीं करते। तो यहां तक आने के बाद मार्केट हल्का से यहाँ पे नीचे जाता है, आपका एसएल उड़ा देता है। अब एसएल उड़ाने के बाद आपके मन में एक ख्याल आता है क्या, कि यार एसएनआर लेवल पे बाई साइड में था, मार्केट नीचे आ गया, अब ये जाएगा नीचे। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप थोड़ा बड़ा अमाउंट लेंगे, ठीक है। आप बड़ा अमाउंट लेके यहाँ पे सेल की एंट्री डाल देंगे, एंड एसएल यहाँ पे कुछ ऐसा अपने हिसाब से सेट कर देंगे। अब जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े मार्केट को चलाते हैं, वो फिर आपके साथ गेम खेलेंगे। अब वो यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, आपको हल्का सा प्रॉफिट दिखाएंगे, प्रॉफिट आया, अगेन कुछ इस तरीके से शॉर्ट होगा, एंड मार्केट वापिस इस एरिया में जाएगा, आपका एसएल लेगा, एंड अगेन मार्केट इस डायरेक्शन में आएगा। ये हो गया। तो एक केस सभी के साथ ही ये होता है, ये जनरली स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। दूसरी चीज, इसी के अंदर क्या होगा कि मार्केट ये तो करेगा ही करेगा, कभी कभी मार्केट क्या होता है कि यहाँ से डाउन नहीं जाता, वो मार्केट यहाँ से सीधा निकल जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये मार्केट यहाँ से सीधा निकला, तो इसका निकलने का रीजन क्या था, फिर जब इसको सीधा ही जाना था तो डाउन क्यों आया। तो डाउन आने का रीजन ये रहता है कि जो बड़े मार्केट के प्लेयर्स होते हैं, वो आप जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं वहीं पर उन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनमें भी लड़ाई होती है कि इस मार्केट को मैं नीचे लेके जाऊंगा, कोई कहता है मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो वो जो पार्ट है उस पार्ट को आपको समझना होगा कि एक्चुअली वो करना क्या चाहते हैं। इसके लिए कैंडल्स की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आपको कि एक्चुअली में कैंडल क्या कहना चाहती है, कैंडल को आपको किस तरीके से समझना होगा। तो इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो सेम चीज जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ होती है वही आपकी यहाँ पे बहुत अलग अलग होती है, जैसे डबल टॉप डबल बॉटम के साथ होगी, ठीक है। जैसे सपोज कह रही है ये एक जोन बना हुआ है, कुछ आपने बनाया या कुछ एरिया है, यहाँ पे मार्केट क्या करता है ऑलरेडी कुछ इस तरीके से करता है, ठीक है। ये आपका डबल टॉप हो गया, ठीक है। अब ये डबल टॉप नहीं है, मैं पहले भी बता देता हूँ, लेकिन जिनको जितनी नॉलेज वो उतनी बात करेंगे, तो यहाँ पे उनको लगता है कि यार ये लिक्विडिटी तो ग्रेप किया है। नहीं, मार्केट जब भी ऐसे एरिया में आता है ये लिक्विडिटी नहीं होती है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रेप नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता था लेकिन वो जा ही नहीं पाया, इसलिए जो ये स्पाइक वाला एरिया बनता है, ये जो पूरा सर्कल बनता है यहाँ पे, इसका मोमेंटम एक अलग ही तरीके का होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि नेक्स्ट टाइम मार्केट नीचे जाके आएगा तो थोड़ा जल्दी जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसको मार्केट मेकर्स बाई साइड में ले जाना चाहते हैं। अब ये क्यों आता है और इसके आने के पर्पज क्या होते हैं, तो इसके तीन पर्पज है यहाँ पे, ये तीन अलग अलग तरह की एंट्री होती है। एक तो ये वाला हो गया, ये एंट्री, सेकेंड हो गया ये बाई जाएगा, ये ऐसे रेजिस्टेंस का एरिया लेगा एंड ये ऐसे जाना चाहिए। तो ये क्या करेगा, अब जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे जिनको लगा कि मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट के लिए आ गया, सपोर्ट एरिया में बाई कर लेते हैं, तो इन लोगों को ट्रैप कर देगा एक, तो ये पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी, दूसरा यहाँ पे ये होगा कि जैसे ही इन लोगों ने यहाँ पे बाई किया, सेल किया, स्टॉप लॉस लगाया, ये नीचे वालों को नीचे आके स्टॉप लॉस खाएगा कुछ इस तरीके से। हो गई दो चीज, तो इन चीजों को आपको समझना होगा। यहाँ पे भी दो तरीके से आपको ट्रैप किया जाता है, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे अलग अलग तरीके के क्या होते हैं ट्रेडिंग में जो पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स पे आपको ट्रेड करेगा मार्केट और उन्हीं पे आपको फंसाने का ट्राई करेगा। कैसे, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज करिए कि आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और इस एरिया पे कैंडल्स बनती है, कैंडल कैसे बनेगी देखो, ये एक कैंडल हो गई, इसको रेड कर देते हैं अपन,
ये रेड कैंडल हो गई, ये नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरीके से बनती है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये अपनी थर्ड कैंडल है। अब आप लोगों के हिसाब से ये क्या चीज है, आप लोगों के हिसाब से या तो ये हैमर कैंडल है या कुछ और है, और आप क्या करेंगे, एंट्री कहाँ प्लान करेंगे, इस हैमर कैंडल के इस वाले एरिया के ऊपर, कि जब मार्केट इसको क्लोज कर देगा तो एंट्री कर लेंगे। ऐसे बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, और आप इसका पैटर्न ढूंढते हैं कुछ इस तरीके से। सपोज कर लिए ये मैं बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से इसका एक पैटर्न है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ऐसे एंट्री करेंगे, क्योंकि मार्केट ने क्लोज कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की होगी यहाँ पे, कि मार्केट आखिरकार जिस तरीके से रन हो रहा है यहाँ पे, जिस तरीके से सारा फॉर्मेट रन हो रहा है, वो बहुत यूनिक है यहाँ पे। आपने अभी भी नोटिस नहीं किया होगा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ ये चीज सही है, आपने जो बोला है ये सही था। आपने यहाँ पे अगर नोटिस किया हो तो यहाँ पे जो ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया, इसमें ये विक्स को देखिए, क्या आपने मेरे बोलने से पहले विक्स को नोटिस किया था, आपके माइंड में आया होगा, लेकिन हो सकता है आपने बोला ना हो, तो ये चीज भी कमेंट करके बताना, ये विक्स का गेम क्या है आखिरकार, इन विक को कैसे गेम की तरह खेलते प्लेयर्स अपने साथ। देखो सबसे पहले जब ये कैंडल बन रही थी तो उस टाइम पे यहाँ पे विक बड़ा था, जब सेकेंड कैंडल बनी तो बॉडी थोड़ा छोटा हो गया और विक और बड़ा हो गया। ठीक है, जब थर्ड कैंडल बनी तो जो इसका बॉडी है उससे डबल इसका विग हो रहा है, यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है। मार्केट जो है वो बाई साइड में नहीं जाना चाहता, बाई साइड में ये सिर्फ जो विग दिख रही है यहां तक गया, डाउन आ गया। क्यों? क्योंकि ऊपर तो जाना चाहेगा लेकिन सेलर्स यहाँ पे हावी हैं, इसलिए इसको गिरा रहे हैं। ये देखो ये कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पे अगेन सेलर्स क्या हुए, कमजोर हो गए और बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली जो चीजें हैं वो ये कुछ है कि यहाँ पे भी देखिए विक्स थोड़ा सा अभी भी सेलर्स अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। अब आपको ऐसी चीजों पे कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब इन चीजों को आप पढ़ोगे, थोड़ा सा अपनी खुद की रिसर्च और थोड़ा दिमाग लगाओगे, और ऐसी कैंडल जब नेक्स्ट टाइम बनेगी अपोजिट कैंडल ये वाली, चाहे विग हो चाहे ऊपर कम विग हो, आप कैसे ही समझ लो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब नीचे बड़ी विग और ऊपर छोटी विग, ये भी खेल है इसका, ये अलग तरीके का गेम है। जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि हाँ ऊपर विग छोटी है और नीचे बड़ी है, नीचे बड़ी है का मतलब है कि अब जो है बायर्स यहाँ से मार्केट को ऊपर धकेलना शुरू कर रहे हैं, तब आप आराम से एंट्री ले लेना, बिना कोई कंफर्मेशन, बिना कोई हैमर, बिना कोई ऑर्डर ब्लॉक, बिना किसी चौक बॉक्स कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक कैंडल लेके एंट्री कर सकते हो आप। ठीक है, तो कैंडल्स की भी 4, 5, 6 तरह, 10 तरह या 15 तरह की चीजें होती है, जैसे आपने हैमर हो गया, डोजी हो गया, ड्रैगन फ्लाई, या जितने भी तरह के पड़ते हैं, तो उनमें ये विक्स का भी गेम होता है। एक आपको मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक और FVG का बता दिया, जो SMC वगैरह करते हैं उनके लिए, ठीक है, उनको पता होगी ये चीजें सभी के लिए। SNR का मैंने बता दिया, अब SNR का मैंने यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला भी मैंने बता दिया कि मार्केट यहाँ पे कैसे ट्रेप करता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे कि जो लोग स्मार्ट मनी का यूज करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, उनको कैसे ट्रेप किया जाता है, उनको भी देखते हैं थोड़ा सा। ये एक स्ट्रक्चर है आप लोगों के सामने, ठीक है, आप लोगों ने बनाई यहाँ पे ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन बहुत बढ़िया है, नो डाउट। SMC के साथ में आप प्राइस एक्शन का भी यूज कर रहे हैं, सारा यूज कर रहे हैं, और आप अच्छे से अपनी ट्रेडिंग स्किल को बेटर कर रहे हैं।
बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है एक बॉर्डर ब्लॉक पेंडिंग, ठीक है, यहां तक मार्केट आता तो यहां पे दो सिचुएशन करता है, क्या करता है, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, जब भी एसी लाइन पे मार्केट आता है, सॉरी, तो वहां पे क्या होता है कि रेल लाइन, यहाँ पे मार्केट आएगा तो मार्केट आने के बाद यहाँ पे दो चीज करेगा। सबसे पहला इस टच करेगा लाइन को, हल्का सा आपको बाइंग दिखाएगा, तो जो नौजवान होते हैं, जो नए बंदे होते हैं जो मार्केट में उतरे हैं, उनका ट्रैपिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, वो यहीं से ट्रैप करना शुरू कर देंगे, ये उनका प्रॉफिट यहाँ आता है और ये उनका छोटा सा एस है। कई लोग तो एसएल भी नहीं लगाते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है उनके लिए, ये भी खतरा। तो यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे इनको गिराएगा, गिराने के बाद अब जिनको सेल्स का तरीका आता है वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ तक उनका ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब दो चीजें यहाँ पे, देखने वाली चीज है और समझने वाली चीज है। दिखने में यहाँ से सेल्स हो गया, आपको भी पता है कि यहाँ से सेल हो रहा है मार्केट, आपका टीपी रहेगा ये वाला एक, बिल्कुल परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि जो दिखेगा उसी पे बात करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया ये 5-10 फीट, आप इसमें खुशी नहीं है लेके, आप लेंगे 30 से 35, 40, 50 फीट, तो आप वेट करेंगे यहाँ तक, लेकिन आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इस एरिया तक का है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और यहीं से रिवर्स होगा वापस। अब जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया या जिन लोगों ने ब्रेक इवन यूज नहीं किया, उन लोगों के यहाँ पर ऐसे लुढ़ेंगे, ब्रेक इवन ही होंगे और वो यहाँ से मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अब जिन लोगों को ये चीज आती है वो यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट लेने के बाद सपोज करिए उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस कर लेते हैं, उन्होंने यहाँ पे $20 का प्रॉफिट किया, ठीक है, वो $20 का प्रॉफिट करते, अब यहाँ पे वो एंट्री लेते, तो यहाँ पे वो अपना जो एसएल है वो सिर्फ $4 का सेट करते, क्योंकि $4 से ज्यादा लॉस नहीं ले पाऊंगे, क्योंकि प्रॉफिट भी तो घर लेके जाना होता है, तो यहीं तक छोटा ट्रेड लेता है, एंड देन उनका मार्केट सक्सेसफुली रन होता है सेम डायरेक्शन में। अब वो क्या करते हैं, जैसे उनका $5-7 प्रॉफिट आता है, अब यहाँ पे वो अपना ब्रेक इवन सेट कर देते हैं कि ये मेरा ब्रेक इवन का लाइन है, या तो मेरे को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो लॉस होने की पॉसिबिलिटी जब होती है, जब आपके मार्केट का होता है जोन से बाहर नहीं गया हो या ब्रेक इवन यूज नहीं किया, ब्रेक इवन यूज करने के बाद कभी लॉस नहीं होता, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक इवन भी यूज होगा, तो ये जो सारी की सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लोगों के साथ होती है, रियल मार्केट में आपको मैं करके दिखा देता हूँ कि रियल मार्केट में अब ये चीजें आपको कैसे ट्रैप करते, ठीक है, तो रियल मार्केट में क्या होता है और कैसे प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है, कहीं से भी रैंडम तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहां पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट आया या आपका एरिया में, आपने यहाँ से सेल कर लिया या जो भी किया, मार्केट ने क्या किया, ये लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप। अब ये स्वीप क्योंकि पहली चीज तो ये बता देता हूँ, दूसरी चीज हुआ क्यों, क्योंकि कहीं लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, इस एरिया पे ये ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल है यहाँ पे आते ही कई लोगों ने बाई किया था, कई लोगों ने ऐसे ऑर्डर ब्लॉक पे बाई किया था, और बाई उन्होंने किया तो कैसे किया ये बता देता हूँ। जब पहले मार्केट यहां तक आया, तो उन्होंने ऐसे बाई किया और स्टॉप लॉस यहां पे रखा, तो मार्केट मेकर्स को पता है कि स्टॉप लॉस यहीं तक होंगे उनके, या थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं यहीं पे होंगे, यहां पे होंगे, क्योंकि आप 15-20 पिप का ऐसे ले रहे हो, ना कि यहाँ 30-40 पिप का आप ले रहे हो, क्योंकि नीचे तो कुछ भी नहीं, तो आप यहीं तक का ले रहे हो, ठीक है, यहां तक का लेने के बाद आप वही बहुत लंबा ऐसे प्रॉफिट कर देते हो, हालांकि आपका मार्केट क्या हुआ, यहीं पे 1 घंटे 1.5-2 घंटे 4 घंटे तक मजे लेता रहा,
लेने के बाद एक स्वीप मारा एंड देन। तो ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि यहाँ पे देखो हुआ क्या है, आखिरकार समझने का जो पैटर्न है वो यहीं पे सबसे बड़ा, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको अभी बताई थी आपके सामने है कि यहाँ पे जो विग है वो विग बहुत बड़ी है। कहाँ पे? बाई साइड की तरफ की मार्केट, जिधर बाई जाता है उधर विग बड़ी है और नीचे छोटी है। तो क्या है कि यहाँ पे सेलर्स आवी हैं, यहाँ पे इन तीनों कैंडल्स में सेम सिचुएशन फॉलो हो रही है। लेकिन जो फोर्थ नंबर की कैंडल है, कौन सी वाली, इसको हटा देता हूँ मैं, ये वाली जो कैंडल है, ये है नॉर्मल कैंडल। अब आप बोलोगे नॉर्मल कैसे है? नॉर्मल ऐसा है कि ना तो इसने इसका विक तोड़ा, ना इसका तोड़ा, ना इसका किसी ने भी नहीं तोड़ा। ये एक बाई कैंडल बन के खत्म हो गई वहीं। सेम उसके बगल वाली जो कैंडल है रेड कैंडल, उसका भी सेम सिचुएशन है। लेकिन इसने यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया है वो कुछ नया रिप्रेजेंट किया है। क्या किया है देखिए, इस कैंडल की बात कर रहा हूं, ये जो कैंडल है ये यहां से यहां तक रेड बनती है और इसके नीचे नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि वापिस से बायर्स इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, इसलिए यहां से यहां तक उनका ट्राई होता है एंड यहां तक वो लाते हैं। अगेन क्या होता है कि बाई ऊपर बनता है लेकिन अगेन सेलर्स यहाँ पे नीचे आते हैं। तो यहाँ पे बाई और सेल दोनों में फाइट होती है बहुत बुरी तरह, बायर्स और सेलर्स में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वहीं पे बीच में अपन ट्रैप होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये अगली कैंडल बनी, जैसे ये खत्म हुआ वो और यहाँ पे ये सारा गेम बना, तो आपको इस कैंडल पे एंट्री लेनी चाहिए थी। यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट होता, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप एंटर करते हैं एंड देन आपका एसएल कहाँ पे होता? यहाँ पे आपका एसएल होता इस लो के नीचे, क्योंकि लास्ट कैंडल है यहीं पे आप लोड होगा। अब यहाँ पे आपने कर लिया। अब कई लोग क्या करते हैं कि इनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ठीक है मैंने कर लिया सारा कुछ सही है बाई। अब आप देखिए आपको मार्केट यहाँ पे 48 पिप्स या 45 47 पिप्स आपको टारगेट दे रहा है, कोई बुराई नहीं है। आपका एसएल है 26 पिप्स का, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, छोटा अमाउंट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट समझने वाली चीज का आप समझिए, आपने यहाँ तक टीपी बुक नहीं किया, आपने क्या किया, और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, मार्केट आ गया यहाँ, अभी भी आप उसको देख रहे हैं 1 घंटे तक चार्ट पर, से और ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, अब यहाँ तक मार्केट आ गया। आप सोचेंगे क्या कि यार यहाँ तक मैंने पहले प्रॉफिट का वेट किया तो अब यहाँ आया तो मैं यहाँ तक जाने का वेट करूँ? बिल्कुल मार्केट जाएगा, लेकिन कब? जब आपका जिस एरिया पे एसएल है उसको उड़ाएगा फिर जाएगा। तो आपका एसएल लिक्विडिटी के तौर पे मार्केट ने लिया एंड यहीं से मार्केट शूट हो गया। ये देखिए आपके सामने कोई अलग नहीं किया मार्केट ने, ठीक है, ये हो गया। और देखते हैं अपन कुछ है। ये बट डबल टॉप वाला केस, ठीक है। यहाँ पे आप सोचेंगे डबल टॉप डबल बॉटम जो भी आप समझते हैं इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या, ये है लिक्विडिटी का गेम। इसने क्या किया, यहाँ पे जितने भी पुराने लोगों के एसएल थे उन सबके एसएल खा इसने एंड यहाँ से डाउन हो गया। सेम चीज, दूसरी चीज, अब नई चीज एक हो रही है। अब कई महानुभाव क्या करते हैं कि मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, गिर रहा है तो बीच में एंट्रियां ठोक देते हैं, कहीं कहीं क्या करते हैं, जैसे यहाँ गिर रहा है यार, गिर रहा है मार्केट, गिर रहा है, यहाँ पे ऐसा स्टॉप लॉस लगा देते हैं या इस एरिया पे लगा देते, यहाँ तक तो कोई लेगा नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो या तो यहाँ लास्ट इस हाई तक या इस हाई तक, और ऐसे वो खेच देते प्रॉफिट अपने। मार्केट जब भी हल्का सा रिवर्स होता है तो उस लास्ट एरिया को ही वो खत्म करता है और यहीं पर आपके एसएल को मार्केट ने उड़ाया और अगेन यहां से मार्केट सेल जाना शुरू हो गया। समझना पड़ेगा आपको, सेम चीज फिर क्या होती है, क्या ऊपर नहीं गया, विक कमजोर, सेल कर देते, कर दिया, अगेन मार्केट आया,
आपके वापस ये सेल यहाँ टॉप तक बना और आपके यहाँ तक एसएल उड़ा के चले गया। ये चीजें नॉर्मल है, ये बार बार होगी आपके साथ, बार बार, एक बार नहीं हजार बार होगी। इन चीजों को समझना होगा। अब आपके लॉस होने का कारण तो एक तो आपको पता चल गया कि जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो मेरे पीछे भी कुछ बैठे हैं जो मेरे को देखते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे, मेरा उड़ा देते हैं। दूसरी चीज, आपका जो पूरा गेम है, ये माइंड का गेम है, जितना आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हो, जितना आप मार्केट से दूर रहने का ट्राई कर सकते हो, उतनी आपको कोशिश करनी है। आपको कम से कम टाइम मार्केट में देना है। आप अगर अगर आपको लॉस हो रहा है आज के दिन, तो आप $10 या $15 का लॉस हो सकते हो, तो कोई ना, मैं कल रिकवर कर लूँ। तो आपको मार्केट से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि आपकी फिजिकोलॉजी बहुत मैटर करती है इसके लिए। तीसरी चीज, आपको कभी भी अमाउंट जो डिपॉजिट करना है अपने अकाउंट में, कभी भी आपको बार बार अकाउंट डिपॉजिट नहीं करना है। जैसे अभी आपने लॉस कर दिया, अकाउंट बिलो कर दिया, आपने इंस्टेंट किसी से पैसा लेके फिर डिपॉजिट किया, फिर ट्रेड स्टार्ट कर दिए रिकवर के चक्कर में, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड फाइनल चीज, कभी भी ये मत सोचना कि जितना आज मैंने गवाया मुझे आज वो रिकवर करना है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, ये आपकी गलतफहमी है। तो इन चीजों के चक्कर में कभी भी मत रहना, क्योंकि जिस दिन आप ट्रेड करते हो, दो तरह के दिन होते हैं। जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा होता है, यानी कि आपका प्रडिक्शन जिस दिन सही होता है आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट मिलेगा लगभग लगभग, और जिस दिन आपका प्रडिक्शन गलत होता है आपको हर ट्रेड में लॉस मिलेगा। तो आपको अगर जिस ट्रेड में प्रॉफिट मिलता है, पहली ट्रेड या दूसरी ट्रेड में, आप उस प्रॉफिट को लेके दूर हो जाइए। जिस ट्रेड के अंदर आपको एक या दो ट्रेड में लॉस होता है, उस दिन ट्रेड ही बंद कर दीजिए, क्योंकि दो ट्रेड में प्रॉफिट था तो भी अपन लेके दूर हो गए, दो ट्रेड में लॉस है तो भी अपन लेके दूर हो गए। तो इस तरीके से आपको अपना डेकोरम मेंटेन करना होगा एंड ट्रेडिंग को अच्छे से समझते हुए चलना होगा। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में आपसे गलती कहाँ पे हो रही है, आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है, आपको किस तरीके से ट्रैप किया जा रहा है, और इन ट्रैप से बचने के क्या तरीके हैं। तो तरीके यही है, आपको पेशेंस के साथ ट्रेड लेनी होगी, थोड़ा सोचना होगा, थोड़ा विचार करना होगा, तो सारा गेम उसी का है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देन मिलते हैं अपन जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।